देखिए, इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है, जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बॉटल पे क्यूआर कोड होता है, और बॉटल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करें तो उसको वापस 2 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बॉटल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पर पहुँच जाता है। देखिए, कूड़े प्रबंधन को लेकर जिला पंचायत, नगर पंचायत, सुलभ आदि के साथ हमारा अभियान लगातार जारी है, और 30 से 35 क्विंटल कचरा हम ऑलरेडी जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कलेक्ट कर चुके हैं, जिसको डिस्पोज किया जा रहा है। इसके साथ ही जो गीला कचरा है उसको कंपोज किया जा रहा है, और हमारे कई इसमें 21 अधिकारी जो डेली मॉनिटरिंग करते हैं और हमें फोटोग्राफ्स और अपनी रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ कहाँ कचरा है और उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं शरद गुप्ता, दिल्ली से, यहाँ केदारनाथ आए हुए हैं। यहाँ पे देख के लग रहा है साफ़ सफाई अच्छी हो रही है, किधर की यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सर्दी के अंदर भी बारिश का पता नहीं होता कब आ जाए, बट यहाँ पे साफ़ सफाई देख के लग रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन अच्छा काम कर रहा है। शुक्रिया। Thank you.